नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ राजेश शर्मा लेके हाजिर थोड़े लिए एक ज्ञानवर्धक प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानमाला। दोस्तों इस प्रोग्राम दे विच साडे नाल तशरीफ फरमाने श्री एसी तेजपाल जी। तेजपाल साहब तुसी साडे इस प्रोग्राम तशरीफ लैके आए हो, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। दोस्तों अज दे प्रोग्राम दा जिहड़ा विशा है वह बड़ा इंट्रस्टिंग है, बड़ा नवेकला विशा है उन्हां लोकां वास्ते जिहड़े एडवेंचर नूं अपनी जिंदगी दे विच शौक बना के रखदे ने। अज दा विशा है जंगल दे विच भटकण दे दौरान आत्म रक्षा किवें करिए। अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं इह दसांगे कि जे कदी भी जंगल या वीराने दे विच तुसीं रस्ता भटक जांदे हो तां तुहानूं किहड़ियां कठिनाइयां आ सकदियां ने, उन्हां कठिनाइयां नूं किवें दूर करना है ते उस सफर दा किवें आनंद लैणा। ये सब दसन वास्ते, ये सब सिक्ख्या देने वास्ते साडे नाल साडे प्रोग्राम दे विच तशरीफ फरमाने श्री एसी तेजपाल जी, जिहड़े वैसे तो इनकम टैक्स कमिश्नर ने लेकिन अपने शौक नाल अपने काफ़ी लंबे तजर्बे दे नाल जिहड़ियां चीज़ां उन्होंने साडे वास्ते इकट्ठियां कीतियां ने वह इस प्रोग्राम दे विच सानू दसणगे। और इस प्रोग्राम दे विच सानू उन्होंने चानना पाउणा है कि जे कदी जिंदगी दे विच कोई ऐसा मौका आउंदा है कि सानू कुदरत दे खिलाफ खड़े होकर अपनी जान बचाउणी पवे तो असीं किवें बचा सकदे हां, आओ असीं गलबात करदे हां श्री तेजपाल जी दे नाल। तेजपाल साहब तुसीं सानू अज इह दसो कि अज दे प्रोग्राम वास्ते किहड़ी किहड़ी योजना तुसीं तैयार कीती है सानू इस प्रोग्राम दे विच ज्ञान देण वास्ते। शर्मा जी, जंगल दे विच भटकण ते कई तरह के खतरे ते मुश्किलां पैदा हो सकदियां हैं। कई पहलू हैं जिन्हां दी अज असीं चर्चा करांगे, उन्हां दे विच कुछ पहलू हैं। नंबर एक, भी जे असीं रस्ता खो जाइए तो उस वेले सूरज चंद तारे या किसी होर तरह अपनी जिहड़ी दिशा है, भुली हुई दिशा है, भटकी हुई दिशा है, उसनूं किस तरह ठीक तरह प्राप्त करिए। दूसरा जिहड़ा विशा है जिस उत्ते असीं गल करांगे वह है पानी दा। पानी सब तो वड्डी जरूरत है, खाने तो बगैर तो इंसान कई दिन तक कट सकता है, डॉक्टर दसते हैं 11 दिन तो ज़्यादा भी कट सकता है। और पानी तो बगैर 2-3 दिन तो भी ज़्यादा आदमी अपनी जान नहीं बचा सकता, तो इस करके ये मुद्दा बहुत ज़्यादा जरूरी है। असीं जंगल दे विच अपना किस तरह खाना लभना है, दो तरह का खाना है, कठिनाई वेले सानू किस तरह जड़े फल फूल या पशु वगैरह या किसी वेले कीड़े मकौड़िया भी अपना भोजन बना के अपना गुजारा करना पड़ेगा। तीसरा जिहड़ा विषय है जिस उत्ते असीं गलबात करांगे वह होएगा भी मौसम तो अपना बचाव किस तरह करांगे, गर्मी चो किस तरह, धुप तो किस तरह बचाव करांगे, ठंड लगेगी तो उस तो किस तरह बचाव करांगे, बारिश तो किस तरह बचाव करांगे, ये मौसम तो जिहड़े बचाव हैं उन्होंने बारे साडी चर्चा भी काफ़ी जरूरी रहेगी। अगला जिहड़ा मुद्दा है जिस ते आपां चर्चा करांगे वह है जानवरों तो, कीड़े मकौड़ियां तो, मच्छरों वगैरह तो अपनी रक्षा किस तरह करनी है, क्योंकि ये साडी जान भी लै सकते हैं और साडे कोल इस तरह की जानकारी है कि असीं जे उस जानकारी का फायदा उठाइए तो असीं इन्हां तो अपना मुकम्मल तौर पर बचाव कर सकते हैं बहुत सारी अवस्थावां दे विच। एक मुद्दा है जिस उत्ते असीं चर्चा करांगे वह है भी जंगल दे विच अग लग जाए और अग तो असीं गिर जाइए तो असीं अपनी रक्षा किस तरह करांगे। अगला मुद्दा जिस उत्ते आपां गल करांगे वह यह है कि जे जंगल दे विच असीं फसे होइए और असीं दूर दुराडे दे लोगों नूं संकेत देना चाहिए, इशारा करना चाहिए, जिहड़े हैलीकॉप्टर च सवार हैं या दूर किसी नाव दे विच या समुंदर च हैं उन्होंने इशारे के नाल किस तरह असी दस सकते हैं भी असी मुसीबत घिरे हुए हैं, उस उत्ते असी चर्चा करांगे। और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट जिहड़ी जरूरी गल जिस उत्ते सानू चर्चा करनी पेगी वह है चोट लगन ते असी की करना है, क्योंकि जंगल दे विच छोटी तो छोटी चोट भी जे नंगी रह जाए तो उहदे नाल बड़े ही गंभीर खतरे हो जाते हैं और जिंदगी जिहड़ी है संकट च पै जाती है। इस तों इलावा असीं इह वी चर्चा करांगे कि असीं अग किस तरह पैदा करनी है, क्योंकि अग साडे वास्ते काफ़ी लाजमी हो जाती है, जरूरी हो जाती है कई हालातों के। तेजपाल साहब बहुत बहुत इंट्रस्टिंग मुद्दा लगता है, बहुत दिलचस्प यह टॉपिक है
और जिवें कि तुसीं दस्सिया कि जे असीं जंगल दे विच किते गुआच जांदे आ तां सानूं किहड़ी किहड़ी चीज़ां दी बहुत लंबी लिस्ट आ जिहड़ी सानूं चाहीदियां ने, लेकिन जिहड़ा पानी दी गल तुसीं कीती आ मैनूं लगदा सब तों ज़्यादा जरूरी शायद पानी ही है, और मैनूं उम्मीद है कि तुसीं पानी दे नाल ही गल शुरू करोगे, है ना। पानी दे लभण वास्ते कई तरह के तरीके हैं, आसान भी तरीके हैं, मुश्किल भी तरीके हैं। एक जिहड़ा पहला तरीका है, इहदे बारे मैं तुहानूं जानकारी देवांगा, वह है कि अपने आस पास नज़र दौड़ाओ, दूर दूर तक, मीला मीला तक, जिथे तुहानूं बड़ी हरियाली दिखाई देती होवे, गहरी हरियाली, वो इलाका हो सकता है जिथे पानी की सप्लाई जिहड़ी है वह होवे कुछ मात्रा दे विच। उहदे विच जाके तुहानूं सीधा सीधा भी पानी मिल सकता है, जे सीधा पानी ना भी मिले तो उत्थे तुसीं किसी चीज़ के नाल जमीन की खुदाई करो, और खुदाई तद तक करते रहो जब तक कि तुहानूं नमी वाली जिहड़ी मिट्टी है वह ना मिल जाए, और नमी वाली जिहड़ी मिट्टी है उसनूं तुसीं अपनी कमीज़ दे विच या बनियान दे विच भर लो और उसनूं नचोड़ो। वो नचोड़न के बाद अपने कोल जे किसी कोई बोतल वगैरह कोई जगह है चीज़ है वो अंदर इकट्ठा करो, नहीं तो सीधा मूँह नाल पियो। वो जिहड़ा पानी है वो देखने गंदे वाला और मिट्टी वाला पानी लगेगा, पर वो पीने के काबिल पानी होएगा। हालांकि उन्हें साफ करके पीना चाहिए, तो साफ करन दा जे तुहाडे कोल ना जरिया होवे तो उन्हें सीधा भी पीता जा सकता है। कई तरह के पानी हैं जिहड़े बिल्कुल पीते नहीं जा सकते, जिस तरह समुद्र का पानी है वो पीता नहीं जा सकता। समुद्र का पानी जे पियो तो वो दे नाल मनुष्य की जड़ी है मौत भी हो सकती है। इस तरह जो ठहरिया होया पानी है, कितने रुकिया होया पानी है, उन्हें पीने दे विच भी थोड़ा जा एहतियात बरतना चाहिए है, और ये देखना चाहिए है कि शाम नूं आन जान वाले जेडे पशु है अगर वो पानी पीते दिखाई देते हो तो यदा मतलब पानी पीने योग्य है, तद तक थोनों इंतजार भी कर लेनी चाहिए है। पशु पक्षी वगैरह भी पानी पीते अगर दिखाई देते हो तो उन्होंने भी इस चीज़ की सहायता ली जा सकती है। एक बड़ा ही रोचक जिहड़ा तरीका है पानी बनाने का है, वह है तुम अपने पेशाब तो या गंदे पानी तो भी साफ पानी पीने वाला पानी बना सकते हो। वो तरीका की है कि वो वास्ते थोनों दो बोतल चाहिए हैं, एक बोतल जिहड़ी है वो दूजी बोतल दे मूँह दे नाल उन्हां नूं जोड़ना है बाद दे विच, पर पहला जिस तरह तुसी गंदा पानी या अपना किता होया जिहड़ा यूरिन है वो एक बोतल दे विच भर लो, ते उन्हूं उहदा जिहड़ा मूँह है वो किसी लीर वगैरह दे नाल दूजी बोतल दे मूँह दे नाल आप जोड़ के लीर जिहड़ी उत्ते लगा के उन्हां दोनों नूं जोड़ लो, ठीक है। जदों दोनों बोतलां जुड़ जाण तां एक बोतल नूं धुप्पे रख दो और दूजी बोतल नूं छां च रखो। हुण तुसीं कहोगे भी धुप्प और छां किस तरह पैदा करांगे, कोई पत्थर वगैरह या कोई होर चीज़ है जिथे दिखाई दे उत्थे पत्थर की थोड़ी जी छां हो सकती है, एक बोतल छां च रखो और एक बोतल रखो धुप्प दे विच। जिहड़ी धुप्प दे विच रखी हुई बोतल है उहदा वाष्पीकरण होएगा, और जिहड़ी छां च रखी हुई बोतल है उहदे विच जिहड़ा है कंडेंस होकर पानी इकट्ठा होएगा, और कुछ घंटिया तो बाद थोनों इस प्रोसैस के नाल कुछ कुट्टा पानी दिया अपनी जान बचाने वास्ते जरूर मिल जाएगी। अगला जिहड़ा तरीका है ये बड़ा ही कमाल का तरीका है, ये अमेरिका दे आर्मी दे ऑफिसर ने एक बारी टीवी दे विच अपने तजुर्बे तो दस्या सीगा। उन्हें दस्या भी ये तरीके दे नाल ऐसी जगह पर जिथे पानी का नामो निशान ना हो उत्थे भी तुसी पानी पैदा कर सकते हो। वो किस तरह भी तुसी जंगल दे विच थोनों कोई ऐसी जगह मिले या ना भी जंगल होवे जिथे घा उगी होवे, थोड़ी थोड़ी घा उगी होवे, उस दे विच तुसी अपनी जिहड़ी कमीज़ या कोई कपड़ा खोलो और उहदे उत्ते पा दो और उहनूं घसीटते हुए लैके चले जालो, और तुसी एक अद्धा फरलांग चल के या अद्धा किलोमीटर चल के या एक किलोमीटर चलन तो बाद जिहड़ी वो कमीज़ है थोड़ी या थोड़ी बनियान है या होर कपड़ा है वह पानी दे नाल भर जाएगा, उन्हें नचोड़ लो, तो उस बाद थानू अद्धी कु बोतल जिहड़ी है पानी की एक किलोमीटर चलन दे नाल एक अच्छी कमीज़ दे विच वो मिल जाती है, और इन्ना थानू जान बचाने वास्ते काफ़ी समग्री इहदी इकट्ठी हो जाती है। और इस तों अलावा जे तुसी अपने नाल थोड़ा जिहा स्पंज कैरी किया होया है
तो वह होर भी ज़्यादा अच्छा है। जिवें स्पंज है उस जगह नूं लगाओ जिथे जिथे उस दीआं बूंदां तुहानूं घाह उत्ते या किसी होर वृक्षां दे पत्तियां ते लगियां होईआं है उत्थे तुसीं लगाओगे उहनूं निचोड़ोगे तो तुहानूं अपनी जान नूं बचाउण वास्ते कुछ पानी जिहड़ा है वह जरूर मिल जाएगा। कुछ सीधे साधे तरीके भी हैं, जिस तरह जे तुसीं बारिश का पानी इकट्ठा करना है, बारिश का पानी पीण दे पानी जो सब तो ज़्यादा अच्छा पानी मनिया जाता है, तुसीं एक खड्डा खोदो, उस खड्डे दे विच अपनी कोई ऐसी शर्ट होवे जिसका विंड चीटर है जिधर जो पानी ना रिस सके वो पाओ, या कोई पॉलीथीन थोड़े कोल होवे वो विचों दे बिछा दो, वो दे विच पानी इकट्ठा हो जाएगा, वो दे नाल तुसीं अपना बोतल वगैरह भर के अगे चलन दा उबराला बना सकते हो। इस तो इलावा कुछ ऐसी जगहां होंदियां हैं पहाड़ी वगैरह जिदे विच तुहानूं देखोगे तुसीं कदे कदे कि बूंद बूंद पानी जिहड़ा है वह रिस रहा है, थोनों बड़ी पतली जी तार जिहड़ी है पानी दी वह पहाड़ी दे किसे उहदे विचों पत्थर चों निकलदी दिखाई देवेगी। हुण साढ़े सामने समस्या है भी ये बूंद बूंद पानी नूं असीं इकट्ठा किस तरह करिए, बोतल भी है साढ़े कोल तो उहदा एक बड़ा आसान तरीका है जिहड़ा सुन के तुसीं तुहाडे मूँह ते मुस्कुराहट आनी चाहीदी है कि तू असीं अपना जिहड़ा जूते का तस्मा है खोलो तो उहदा जिहड़ा एक सिरा है वह पहाड़ के वह पत्थर पर लगा दो जिथे पानी एक एक बूंद रिस रहा है, तो वह तस्मे का जिहड़ा दूजा हिस्सा है वह तुसीं बोतल दे च पा दो, तो बूंद उन्नी देर दे विच तुसीं अपनी कोई होर कार्रवाई करो, कोई नक्शा बनाओ, आस पास जंगल देखो और या कोई खान अपने खाने वास्ते कोई मेंढक वगैरह पकड़ो, तो जब तक थोनों अद्धे घंटे पौने घंटे थोड़ी बोतल पूरी भर जाएगी या दूजी बोतल भरेगी और तुसीं अगे जंगल दे विच चल सकते हो। अच्छा, एक पानी बनाने का तरीका है सूरज की रोशनी तो वह तरीका भी बड़ा लाजवाब तरीका है, उहदे विच काफ़ी मात्रा दे विच पानी बनाया जा सकता है। उहदे वास्ते थोनों कुछ समग्री चाहिए है जिहड़ी आम तौर पर उपलब्ध हो सकती है। एक तो यह है कि थोनों गंदा पानी चाहिए जिसका समुद्र का पानी जिहड़ा नहीं पीता जा सकता वह समुद्र का पानी लो या गंदे नाले का जिहड़ा पानी है वह ले लो और एक टब नुमा कुछ चीज़ के विच उसनों जमा कर लो। किन्ना क जमा करना है भी उस पानी की दो तीन इंच की जिहड़ी लेयर है उन्नी काफ़ी है। तो एक थानूं ये बनाने वास्ते चाहिए पॉलीथीन का एक वड्डी शीट, उन्हों तुसीं जिहड़ी पॉलीथीन की शीट है उन्हों उहदे उत्ते पा देना, उन्हों पाण तों पहलां आस पास कोई जंगल दे विच कोई वृक्ष उगया होवे उहदे जिहड़े पत्ते हैं उस पानी दे विच पा दो और वह पानी की जिहड़ी टब है उहदे सेंटर दे विच एक गिलास या कटोरी या कुछ शंख या पत्तियां दा जिहड़ा डोना है या कोई होर ऐसी चीज़ रख दो जिथे असीं पानी इकट्ठा कर सकीए। फिर उत्ते तुसीं उहदे पॉलीथीन की एक शीट बिछानी है जिहड़ी मैं तुहानूं पहलां दस्सिया और पॉलीथीन की जिहड़ी शीट बिछानी है उहदे विचकार एक पत्थर रख देना, वह पत्थर जो रखोगे तो वह पत्थर अपने बोझ के नाल पॉलीथीन नूं नीचे लजांदा लजांदा वह जिहड़ी नीचे तुसीं कटोरी रखी हुई है उहदे विच जाके फिट कर देगा। ठीक है, उहदे नाल की होएगा कि हुण जदों सूरज दी उत्ते रोशनी पै रही है वह जिहड़ा अंदर का पानी है उहदी भाप बनेगी, वह भाप बनेगी उठेगी और उठ के जिहड़ा जिहड़ा पॉलीथीन की जिहड़ी शीट है उहदे नाल टच करेगी, उत्थे बूंदा कट्ठिया होणगियां, वह क्योंकि ढलान दिती हुई है वह बूंदा हौली हौली थोड़ी थोड़ियां वह बन के धारावां वह सारा का सारा पानी उहदे विच इकट्ठा होकर जाएगा। इस तरह तुसीं काफ़ी पानी जिहड़ा है अपने वास्ते इकट्ठा कर सकते हो, दो तीन घंटे के विच एक बोतल वाला जिहड़ा पानी है वह थोनों मिल सकता है। इस तो इलावा एमरजेंसी दे विच अपना जिहड़ा खुद का यूरिन किया होया है वह पीना बिल्कुल सेफ हुंदा है, उहदे विच अपनी जान जिहड़ी है वह तुसीं बचा सकते हो, पर समुद्र का जिहड़ा पानी है वह किसी भी हालत दे विच ग्रहण करन दे योग्य नहीं है। जंगल दे विच और खास तौर पर रेगिस्तान वाले जंगल दे विच तुहानूं कई बार कैक्टस उगे मिलते हैं, उन्हां विचों दो कैक्टस खास तौर पर ऐसे हैं जिसका बैरल कैक्टस है एक एलोवीरा कैक्टस है। एलोवीरा कैक्टस नहीं है, एलोवीरा का जिहड़ा पौधा है उहनूं दे विचों तुहानूं काफ़ी मात्रा दे विचों पानी मिल जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा शक्तिवर्धक भी है। एलोवीरा दे जिहड़े दूजे भी अच्छे इस्तेमाल हैं भी जख्म वगैरह ते लगा के तुसीं
और जलन वगैरह ते लगा के भी अपने आप दे जख्म तो तुसीं निजात पा सकते हो। जंगल दे विच या वीराने दे विच जाके असी पानी किवें प्राप्त कर सकते हैं, गल्लां दसियां ने सानू तेजपाल साहब ने और इन्ने तरीके दसे ने जिहड़े कदी असी किसी किताब दे विच नहीं पढ़े और किसी ने सानू अज तक नहीं दसे। हुण असी तेजपाल साहब तुहानू इह पुछांगे कि जे कदी वीराने दे विच भटक जाइए या किसी जंगल दे विच जा रहे होइए और भुख लगे तो फिर साढ़े कोल किहड़े किहड़े तरीके हैगे ने जिहदे नाल असी अपने ढिड नू भर सकदे हां। जे भुख लगी होवे और सानू खाना ना मिले तो साढ़े शरीर दे विच एक तो यह है भी इन्नी ताकत नहीं बचती भी असी अगे दा जंगल जिहड़ा पार कर सकीए, तो बड़ा खतरा हो जाता भी असी जंगल च फस जाइए। और दूसरा यह है भी साढ़े कोल ताकत नहीं बचेगी जे कोई जानवर वगैरह दे नाल लड़ना पवे, उहदी ताकत नहीं बचेगी। और तीसरा है भी बीमारी घेर सकती है, तो इस करके अपने आप दे कोल अच्छा जिहड़ा खाना है उहना जिहड़ा प्राप्त करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सब तो पहला सानू ये समझना चाहिए कि जंगल दे विच जिहड़ी वनस्पति है, वृक्ष उगे हैं, पेड़ पौधे हैं, उहना विचों 90 तो लैके 95% तक जिहड़े हैं वह जहरीले हैं, ना खाण वाले हैं। तो इस करके ये हमेशा देखो भी कोई भी चीज़ जिहड़ी थोनू पसंद आ जाए और खास तौर पर जिहदा रंग रूप अच्छा होवे और जिहदा रंग चटकीला होवे, भड़कीला होवे, जिहदे विच काफ़ी ज़्यादा अच्छे कुदरत ने रंग भरे होन, वो चीज़ कदे भी नहीं खानी चाहिए। सब तो ज़्यादा जिहड़ी जहरीली चीज़ा हैगियां उहनां दे विच सब तो ज़्यादा भड़कीले रंग हुंदे ने। वैसे तो जंगल च जाण तो पहला जंगल दी जिहड़ी वनस्पतियां हैं उहनां दा बारे कुछ ना कुछ जानकारी लो। एक जिहड़ा तरीका है जंगल दे विच अच्छी खाण दी चीज़ लभण दा, उह इह हैगा कि जानवरों का कोई जूठा किता होया कोई फल है वो जो गिरया होवे तो उन्हें चको और वो देखो उन्हें ध्यान ना पछाणो, वो फल ऐसा है जिहड़ा खाण दे काबिल है। जे थानू ऐसा वृक्ष मिले कि वह वाला फल थानू मिले उन्हें तोड़ के खाओ, फिर जे जानवर का जिहड़ा जूठा फल है वह भी छड्या होया जे वह भी खाना पवे तो उन्हें भी आराम ना खाओ, वह थोड़ी जिहड़ी है भोजन की जिहड़ी समस्या है इस तरह काफ़ी हद तक जिहड़ी है शुरुआत दे विच हल हो सकती है। एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जंगल दे विच मशरूम कदे नहीं खाना, क्योंकि असी आम तौर पर घरां दे विच जदों देखते हैं भी असी मशरूम की सब्जी बना के खाने हाँ तो फिर सानू लगता है कि सानू मशरूम तोड़ के खा लेना चाहिए। मशरूम दे विच बहुत सारी ऐसी प्रजातियां होंदियां हैं जिहड़ियां कि इन्नी जहरीलियां होंदियां कि जो खा लीती जाण तो उहदे नाल मौत लगभग निश्चित है, उन्हों जी दवाई भी जल्दी जल्दी किसी तरह बचाव नहीं होता कर सकती। हाँ, जंगल दे विच वनस्पति तो इलावा जिहड़े कीड़े मकौड़े हैं उन्होंने खाण की भी विच परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जदों थोड़ी अपनी जान दे विच बन आई होवे तो उस वेले थोनू ये चीज़ खानी ही पएगी। कीड़े मकौड़े खाण दे विच एक खास ख्याल रखना है, कुछ कीड़े खाण दे काबिल नहीं होंदे, उन्हां दी एक निशानी है। जिहड़ा कीड़ा निडरता दे नाल घूम रहा होवे इधर उधर बिना डर तो, इहदा मतलब वह जिहड़ा कीड़ा है उसनूं दूजा जिहड़े प्राणी है खा नहीं रहे, उस तो बचो। नंबर दो, जिहड़ा कीड़ा शाइनी होवे चमकदार होवे वह कीड़े नूं नहीं खाना चाहिए। और जिहड़ा जिहड़े रंग है चटकीले होण भड़कीले होण जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया सी वनस्पति दे विच, इस तरह इत्थे भी उही कानून लागू हुंदा है, उही नियम लागू हुंदा है कि जे थोड़ा कीड़ा है जिहड़ा कि निडरता घूम रहा होवे जिहदा रंग जिहड़ा बड़ा चमकीला होवे और जिहदे रंग बड़े चटकीले ते भड़कीले होण, ऐसे कीड़े जिहड़े हैं उहनां नूं अवॉइड करना चाहीदा है। दोस्तों, ये जिहड़ा पॉइंट है जिहड़े तेजपाल साहब ने सानूं दस्से ने कि जे असीं कदी वीराने च जां जंगल च जाने हैं तां किस तरीके दे नाल असीं पानी नूं लभना है, किस तरीके दे नाल असीं अपने खाने नूं लभना है, इन्नी इंट्रस्टिंग ने कि सानूं पता ही नहीं चलिया कि साडे एपीसोड दा वक्त जिहड़ा है वह कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि ये जिहड़ा विशा है इन्ना विशाल है कि इस दे उत्ते एक एपीसोड दे विच असीं सारी गलबात नहीं कर सके। असी तेजपाल साहब तुहानूं बेनती करांगे कि अगले एपीसोड दे विच तुसीं जिहड़ियां बाकी पॉइंट जिहड़े दस्से सी उहनां नूं तुसीं साडे दोस्तां नूं विस्तार नाल दसणा। तुसीं साडे इस प्रोग्राम च तशरीफ लै के आए, साडे दोस्तां नूं जानकारी दित्ती, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, फिर मुलाकात होएगी इसे प्रोग्राम ज्ञानमाला दे विच अगले हफ्ते इसे दिन इसे टाइम इसे चैनल दे उत्ते। तद तक
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਏਸੀ ਤੇਜਪਾਲ ਜੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੇਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਗਿਆਨਮਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਏਸੀ ਤੇਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ।